दोस्तों मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स के कॉल आ रहे हैं कि सर एक बार्बी मूवी आई है और हमारे बच्चे जिद पे अड़ गए हैं कि हमारे को भी अपना बेडरूम बार्बी के जैसा डेकोरेट करना है, हमें भी कलर्स वही इस्तेमाल करने हैं जो कि बार्बी मूवी में किए गए हैं। दोस्तों बार्बी मूवी में पिंक कलर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। अब बच्चों के कमरों की बात जब आती है तो हमें ध्यान करना चाहिए वास्तु के कुछ नियमों का। तो इसमें सबसे पहला नियम आता है कि आप किस तरीके का पिंक कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बार्बी मूवी में जो पिंक कलर का इस्तेमाल किया गया है वो आप अपने बेडरूम में अगर कराना चाहते हैं, बच्चों के बेडरूम में यानी कि कराना चाहते हैं, तो आप दक्षिण की दीवार पर वो कलर करा सकते हैं। साउथ वाली वॉल पे आप हॉट पिंक कलर यानी कि डार्क पिंक शेड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बार्बी मूवी में इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ साथ बहुत बार बच्चे कहते हैं कि एक वॉल पे हमें डार्क कराना है, बाकी तीन वॉल्स पे हमें लाइट शेड का इस्तेमाल करना है, तो आप उसमें बहुत लाइट पिंक कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी तीन वॉल्स पे यानी कि उत्तर की दीवार, पूर्व की दीवार, पश्चिम की दीवार पर। साथ ही साथ इसके साथ फर्नीचर का भी आपको ध्यान करना है। जो भी फर्नीचर आप अपने बेडरूम में लगा रहे हैं आपको ध्यान करना है कि आप बेडरूम का जो ब्रह्म स्थान है उसको कवर ना करें और बेडरूम में भी दक्षिण की दीवार पे आप बेड को लगाएं और उसके साथ साथ आप अपना फर्नीचर उसी हिसाब से सेट करें कि आपके बेडरूम में जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है और जो ब्रह्म स्थान है वो सबसे हल्का रहे। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपका बेडरूम उत्तर की दीवार से या पूर्व की दीवार से लगा हुआ है तो अवॉइड करें उसमें बहुत ज्यादा डार्क पिंक शेड का इस्तेमाल करना, उसमें आप लाइट पिंक कलर का इस्तेमाल करिए दक्षिण की दीवार पे और बाकी तीन दीवारों को रखिए व्हाइट। दोस्तों वास्तु के अनुसार अगर आप अपने बच्चों का बेडरूम बनाते हैं तो वो बार्बी वाला तो बन ही जाएगा, साथ ही साथ आपके घर में और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी लाएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।